मदन बिहारी लाल की जय। यदि इस समय आपसे ये कहा जाए कि अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, तो आप क्या कहेंगे कि कहाँ महाराज, इस समय अच्छा आदमी कहाँ मिल रहा है? आपसे कहा जाए चले जाओ सरकार के किसी विभाग में से अच्छा आदमी लाओ, तो आप कहेंगे कि वहाँ तो कोई है ही नहीं है अच्छा। यदि समाज में आपको भेजा जाए कि समाज में ढूंढ के लाओ, तो भी आप यही कहेंगे कि आजकल सब आदमी खराब हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। आपकी एक दृष्टि हो गई, एक दृष्टि हो गई कि अच्छा कोई है ही नहीं। और अगर उल्टा आपसे प्रश्न किया जाए तो क्या तुम, तो बोले हम भी अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये निकला कि आप खुद ही अच्छे नहीं हैं, आप खुद भी अच्छे नहीं हैं। कम से कम आपकी यदि ये दृष्टि हो गई है कि कहीं कोई अच्छा नहीं बचा, तो फिर तुम अपने को तो कह दो कि मैं अच्छा हूँ, बाकी कोई अच्छे नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कहने को तैयार हैं कि मैं अच्छा हूँ। इसका मतलब यह है कि बुरे की शुरुआत तुम्हारे से ही शुरू है। तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हें कोई मिला नहीं। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अच्छा ना हो। आपकी बुद्धि में ये बात अगर बैठ गई कि कोई अच्छा नहीं है, तो ये बात ही गलत है। अच्छा है, हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं। देखिए, हनुमान जी को कहा गया कि तुम लंका चले जाओ, तो हनुमान जी ने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि लंका में भी कोई अच्छा आदमी हो सकता है, क्योंकि जिसका राजा स्त्रियों का अपहरण करता हो, जिसके लोग राक्षस लोग ऋषियों मुनियों को मारते हों, सुबाहु मारीच भेजे जाते थे, विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, जहां ऐसे व्यक्ति होंगे वहां अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन ये दृष्टि ठीक नहीं है कि अच्छा नहीं हो सकता। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां कोई बुरा ना हो, और ना ही कोई ऐसी जगह है कि जहां कोई अच्छा ना हो। आप लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, रामचरितमानस के चौथे दोहा का शुरुआत होती है, तीसरे दोहे में लिखा है, क्या लिखा है? रामायुध अंकित गृह शंख चक्र गदा पद्म। ये राम जी के आयुध हैं, और राम जी अभी लंका कभी गए नहीं है, लंका के लोगों ने राम को देखा नहीं है। जब दशरथ जी पैदा नहीं हुए थे तब के विभीषण हैं। आश्चर्यकारी बात है ना, रावण विभीषण और कुंभकर्ण जब तपस्या कर रहे हैं तब दशरथ पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा जब राम जी को लेने गए कि हमारे परदादा इक्ष्वाकु का युद्ध रावण से हुआ था, तब वो हार गए थे। तो महाराज इक्ष्वाकु यदि हार गए थे रावण से, तो रावण कब का है? तो जब का रावण है तभी का तो विभीषण है। तो जब महाराज दशरथ पैदा नहीं हुए थे, आज पैदा नहीं हुए थे, दशरथ के पिता आज और आज के पिता महाराज रघु पैदा नहीं हुए थे, रघु के पिता दिलीप पैदा नहीं हुए थे, तब रावण था और विभीषण था। इतने पुराने हैं वो। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा कि विभीषण के घर के बाहर रामायुध अंकित गृह, तो राम का नाम कब का है? रामायुध शंख चक्र गदा पद्म, इसका मतलब जो अभी दशरथ नंदन राम दशरथ जी के पुत्र बन के आए हैं, इसके पहले ही राम नाम है।
और राम जी को नारायण स्वरूप से मान करके शंख चक्र गदा पद में है, और वो तुलसी भी लगी हुई है। जब वो देखा नव तुलस का वृंद तह देख हरस कपराए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि रावण के यहाँ भोग विलासी व्यक्ति के यहाँ बगीचे तो होते हैं, गार्डन होते हैं, लेकिन तुलसी लगी नहीं मिलेगी आपको। आप चले जाइए किसी भी चिड़ियाघर में, एक से एक पत्तियों की कटिंग, फूलों की कटिंग मिलेगी, बढ़िया बगीचा होगा, क्योंकि वो कामी और कामनियों के भ्रमण के लिए होते हैं, लेकिन तुलसी लगी नहीं मिलेगी बगीचों में। लेकिन विभीषण के दरवाजे में तुलसी लगी हुई है। नव तुलस का वृंद तह देख हरस कपराए, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि ये क्या, राम नाम और रामायुध, इसका मतलब ये है कि रावण जिस राम जी से युद्ध करने जा रहा है, उस राम का परिचय, राम का भजन करने वाला तो लंका में कोई है। जिस आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जानते हैं, ये 15-16 वर्ष के हैं। सीता जी से रावण ने परिचय पूछा जब हरण करने गया, तो सीता जी ने कहा कि राम 28 वर्ष के हैं और यही 365 दिन वाला साल है। और रावण की आयु कितनी कहलाई जब महाराज दशरथ के परदादा पैदा नहीं हुए थे, युद्ध किससे हो रहा है 28 साल के राम का। लेकिन वहां पहुंचे, अब हनुमान जी सोचने लगे, निशाचर हैं क्या पता, बोले कि लंका निशचर निकर निवासा, जो रात में विचरण करते हैं उन्हीं को तो निशाचर कहते हैं। तो हमने तो सुना है कि लंका निशचर निवास है, और एक दो नहीं, निश्चर निकर निवासा, निकर माने समूह, सारी नगरी राक्षसों की ही है, तो यहां कहां सज्जन करवासा, यहां कहां से सज्जन आया कोई की ऐसा भवन बना ले, मकान बनाए जिसमें तुलसी लगी हो, रामायुध अंकित हो, असंभव बात हो गई है। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि जाइए आप किसी विभाग में ईमानदार व्यक्ति खोजिए, समाज में कोई ईमानदार खोजिए, तो आपने एक स्वर से कह दिया कि कोई नहीं है, सब बुरे, इसका मतलब है सब निशाचर हैं, सब लंका है। तो जो आपकी बुद्धि है वही हनुमान जी की बुद्धि में था कि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में तो निशाचरों का समूह रहता है, तो यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ सज्जन हो भी कैसे सकता है कोई, क्यों क्यों नहीं हो सकता सज्जन, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यहां मांस मदरा, कटे हुए बकरे, कटे हुए भैंसे, गायें, इनको गायों को खाने वाले, भैंसों को खाने वाले, इतना सारा मांस पड़ा हुआ है, मांस मदरा का सेवन करने वाले एक नगर में कैसे कोई सज्जन बच सकता है। मांसाहारी मदिरा पाई लोगों के बीच में अगर कोई एक ऐसा मोहल्ला हो जहाँ पूरे मोहल्ले में मांसाहारी लोग रह रहे हों, फिर उसमें कोई एक ब्राह्मण का घर हो जो लहसुन प्याज न खाता हो, ऐसी आप संभावना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप बुद्धि में भी आपके ये विचार नहीं आ सकता कि मांसाहारी मोहल्ले में कोई ऐसा ब्राह्मण रह रहा है जिसके लहसुन प्याज भी नहीं खाता है। आपसे कहा भी जाएगा तो कह देंगे हो ही नहीं सकता। ऐसे ही तो हनुमान जी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता कि निशाचरों में कोई राम का भक्त निकल आए। दूसरी बात, यदि कोई राम का भक्त होता तो रावण कब का मरवा देता, रहने नहीं देता। लेकिन उसने सोचा कि रात है, हनुमान जी विचार करते हैं कि रात्रि का समय है, तो क्या अभी अभी तो मिली थी ना वो लंकिनी, मिली थी वो, तो उसके सामने से मच्छर बन के नहीं मैं निकल पाया, तो जिस लंका में मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता, उस लंका में भला ये सज्जन कैसे रह सकता है। इतनी सतर्क
गुप्तचर यदि लंका के यहां है, लंका में है, तो कैसे हनुमान जी ने स्वरूप बदल लिया? तुरंत ब्राह्मण स्वरूप में हो गए, तुरंत धोती कुर्ता सुंदर जो है, कुर्ता नहीं पहनते होंगे, पहले कुर्ता नहीं सिलते थे, धोती पहने ऊपर उत्तरी ओढ़े और त्रिपुंड धारण किए, ऐसा लगा कि जैसे श्रोत्रिय कोई ब्राह्मण है, वेद वेत्ता। लेकिन अब मिले कैसे? संयोग बना, हनुमान जी के मन में आया कि यदि यहां सज्जन है कोई तो यही सन हठ करियो पहचानी, हो सकता है कि वह रावण के भय से मुझसे बात ना करे, लेकिन मैं इससे बात जरूर करूंगा कि तुम्हारे यहां रहने का क्या कारण है। क्या तुम रावण के आदमी नहीं हो, अथवा तुम रावण के विरुद्ध चल रहे हो, तो तुम हो कैसे? बेईमानों के बीच में एक ईमानदार का रहना माने कितनी कठिन बात है, कितनी कठिन है, उसको तो तबादलों से फुर्सत नहीं रहती है, रहने ही नहीं देते बेईमान मिलके एक ईमानदार को। ऐसा हट करियो पहचानी, इससे जबरदस्ती मुझे पहचान करना है, क्योंकि मेरे मन में है कि यदि ये साधु है, इसके भवन में इसकी तुलसी लगी हुई बता रही है कि साधु पुरुष है, तो साधु हो ना कार्य हानि, बात नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सीता पता का जो कार्य की हानि है वो नहीं होगी। सज्जन में ये विशेषता होती है, देखिए साधु तो हो ना कार्य हानि, यदि कोई सज्जन पुरुष आपकी सहायता नहीं कर सकता तो ये बात पक्की है कि आपका नुकसान भी नहीं करेगा। और दुष्ट की विशेषता ये होती है कि वो आपका हानि ही करेगा, लाभ तो कर ही नहीं सकता। इसलिए कुमार संभव में कालिदास जी ने यक्ष के उसमें लिखा है कि श्रेष्ठ पुरुष के पास ही याचना करना चाहिए, यदि वहां से याचना पूर्ण नहीं होगी तो हानि नहीं होगी, और नीच पुरुष से याचना नहीं करना चाहिए, अगर नीच पुरुष तुम्हारी याचना पूरी कर देगा तो तुमसे बुरा कर्म ही करवाएगा, ये भी हानि है। तो हनुमान जी ने जैसे ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और रात्रि के मध्य रात्रि थी और विभीषण उठे, उठते ही राम राम बोले, जैसे कोई रात्रि में मलमूत्र करने के लिए उठता है तो उठते ही बोला अरे राम राम राम, और जम्हाई लेते हुए जैसे ही उठे तो राम नाम ती सुमिरन कीना, बात पूरी हृदय में बैठ गई, हरस हृदय हरसी कपि सज्जन चिया, बोले ये माया नहीं है ये सत्य है। मैं तो सोचूं कि ये ऐसा घर है, इसमें तुलसी लगा दी और शंख चक्र गदा पद्म बने, हो सकता है रावण की माया हो, लेकिन नहीं, ये माया नहीं है, ये व्यक्ति उठा और इसके मुंह से राम राम निकला। सज्जन की और भक्ति की ये विशेषता है कि उठेगा तो दर्द भी होगा तो मुंह से निकलेगा अरे राम, लेकिन जिनको जिनके हृदय में भक्ति नहीं होती वो दर्द में भी बोलेंगे तो कहेंगे अरे यार क्या आफत है, राम नाम तो निकल ही नहीं सकता, दुख में भी नहीं निकलता। जैसे उनने राम राम कहा तो हृदय हरष, उनको लगा कि एक मेरा जो अनुमान था गलत, कि लंका में कोई सज्जन हो ही नहीं सकता, मेरा अनुमान गलत हो गया, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान का कोई आदमी ना हो, इसलिए तो महाराष्ट्रियों के लिए महाराष्ट्र में संत महाराष्ट्री भाषा में, तमिलनाडु की भाषा में तमिलनाडु के संत, बांदा जिला के आदमियों के लिए तुलसीदास जी, तो जो जिस राज्य में है जिस भाषा में उस भाषा में भगवान ने संत पैदा किए, क्योंकि हिंदी भाषा मराठी नहीं जानेंगे, मराठी तमिलनाडु नहीं जानेंगे, तमिल नहीं जानेंगे, मलयालम नहीं जानेंगे,
इसलिए भगवान ने हर क्षेत्र में एक संत पैदा किए कि उस भाषा में वो ज्ञान हो जाए। विप्र रूप धारी, उनका निकलना हुआ, राम राम बोलना हुआ, जमाना हुआ, और ये ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने कुछ बोला। विप्र रूप धारी वचन सुनाए तो सुनत विभीषण उठता है आए। जा रहे थे दोबारा सोने के लिए तो उठ करके बाहर निकल आए। भाई आदमी रात्रि में अगर मल मूत्र करेगा तो जाके घर में फिर सो जाएगा, लेकिन विभीषण लौट करके जैसे उन्होंने आवाज सुनी ब्राह्मण देवता की, लौट के आए, बोले आप यहां कैसे? क्योंकि विभीषण को भी आश्चर्य है कि लंका में ब्राह्मण और गाय नहीं हो सकता, क्योंकि ये निशाचर ब्राह्मणों के और गायों के तो दुश्मन है। तो राक्षसों के यहां ब्राह्मण और गाय नहीं हो सकते, और हनुमान जी को ये लग रहा है कि राक्षसों के यहां कोई और नहीं हो सकता। ये दोनों आश्चर्य है, ये दोनों का आश्चर्य है। यहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि यहां कैसे कोई भगवान का भक्त हो सकता है, और यहां विभीषण को आश्चर्य हुआ कि यहां तो घुसते ही ब्राह्मण खा लिए जाते हैं और गाय मार डाली जाती है, ये ब्राह्मण मेरे दरवाजे तक। तो विभीषण ने पूछा, कहा विप्र निज कथा बुझाई, ये ब्राह्मण देवता आप यहां कैसे, आप अपनी कथा बताओ। तब हनुमान जी ने कहा कि अब ये कपट करना अच्छा नहीं, कहो विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे जिंदा बच के मेरे दरवाजे तक आ गए, कैसे? हनुमान जी बोले कि सही पूछो तो, जो देख रहे हो मैं नहीं हूं, तुमने बिल्कुल कपट नहीं किया, लेकिन मैं तो कपट से ही ब्राह्मण बना हूं। अब मैं अपने स्वरूप में आता हूं। हनुमान जी दूत है राम के, राजदूत है, राजदूत को नीति का अनुमान करना चाहिए, कहां कैसी नीति का उपयोग करना, कहां कपट करना चाहिए, कहां छल, कहां दम, कहां शाम दाम दंड भेद। इसीलिए लंकनी को स्त्री समझ के ऐसा नहीं किया, उन्होंने घुंसा मारा। तो शाम दाम दंड भेद की नीति के दूत है वो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने फिर कपट वेश छोड़ा। तो हनुमान जी ने कहा, मेरी छोड़ो, पहले मेरे मन की बात बताओ। मेरा मन कह रहा था कि यहाँ भगवान का भक्त नहीं हो सकता, ये पहले बताओ कि तुम यहाँ कैसे, हमारी तो छोड़ो। विभीषण ने कहा कि मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, मौन। रावण क्या करता है मैं नहीं बोलता, मेघनाथ क्या करता है मैं नहीं बोलता, यहाँ के निशाचर क्या करते हैं मैं नहीं बोलता, क्योंकि जीभ जिस तरफ निकलेगी वहीं कट जाएगी। तो सुनो, तुम्हारा अनुमान सही है, चारों तरफ दांत हैं और मैं अकेला। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दशनन मह जीभ बिचारी। मैं तो ऐसे रहता हूं, इसलिए इसका तात्पर्य ये निकला कि आप ये बात मन से निकाल दीजिए कि संसार में कोई अच्छा नहीं है। आप घर से निकलिए, राक्षसों के बीच में भी, बुरों के बीच में भी कोई ना कोई अच्छा रहता ही है, बस बात इतनी है कि आप अच्छे नहीं हो, आपको अच्छे आदमी की खोज नहीं है, आपको अच्छे आदमी की प्यास नहीं है, आपको अच्छे आदमी से कोई मतलब नहीं है, आप बुरों के बीच में ही रहना चाहते हैं, बुरों के ही बीच में आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, इसलिए आपको अच्छे जीने की कला नहीं आती, इसलिए अच्छे लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होती। इसलिए ये बात भूल जाना चाहिए कि संसार में बुरे ही बुरे लोग हैं,
लंका जैसे रावण के यहाँ भी एक विभीषण जैसा भगवान का भक्त है। इसी प्रकार से संसार में मनुष्य जाति में कोई ना कोई सज्जन महात्मा पुरुष, पाखंडियों के बीच में भी कोई महापुरुष महात्मा मिल जाएंगे, पाखंडी ब्राह्मणों में भी मिल जाएंगे कोई विद्वान ब्राह्मण, आपको बेईमान सरकारी आदमियों के बीच में भी कोई ना कोई ईमानदार मिल जाएगा, ऐसा ही समझना चाहिए। आप सिर्फ सत्य की खोज करिए, आपको सत्यवादी निश्चित मिलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।